हे गाइस, तो रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G इंडियन यूजर्स के लिए नया अपडेट हमें देखने को मिला 24 सितंबर को। आज 30 तारीख हो चुका है, तो लगभग 6 दिन यूज करने के बाद इस अपडेट के अंदर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुआ है एंड क्या कुछ बग्स जो फिक्स हुआ है जो कि सैमसंग ने क्लेम किया था, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चेंज लॉग की बात करूँ तो चेंज लॉग के अंदर वैसा कोई भी चीज मेंशन नहीं था, बट अगर मैं इसकी पैकेट साइज की बात करूँ तो जो कि अराउंड 260 MB के आसपास है एंड नॉर्मली जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है वो 220-230 MB के आसपास आता है, बट इस केस में थोड़ा सा ज्यादा था एंड सैमसंग ने भी क्लेम किया था कि काफी कुछ चीजें इस अपडेट के अंदर फिक्स हुआ है ना। तो सबसे पहले कैमरा से स्टार्ट करते हैं एंड कैमरा क्वालिटी लास्ट 3-4 अपडेट के बाद मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है इस वाले सितंबर 2024 की पैच के साथ। एंड इसी के साथ वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नोटिस किया। और एक प्रॉब्लम जो कि जून अपडेट के बाद से देखने को मिला था कि परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा लैग UI के अंदर देखने को मिला था एंड वो चीज भी एकदम फिक्स हो चुका है। तो इस 6 दिन यूज करने के बाद मैंने UI के अंदर कोई भी लैग वगैरह नोटिस बिल्कुल भी नहीं की। और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए आए हो तो मैंने आपको एक बात बताया था कि कैपकार्ट के अंदर लैग मुझे देखने को मिला एंड इस बार भी ये लैग था, बट ये एक्चुअली इस अपडेट की वजह से नहीं, ये एक्चुअली कैपकार्ट का ही प्रॉब्लम है। एंड कल भी सेम चीज हुआ जब मैं अपने कैपकार्ट के जरिए कुछ एडिट्स वगैरह कर रहा था एंड कैपकार्ट को ओपन करते ही मैं VPN को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी इफेक्ट्स कोई भी डालना हो तो देन उस केस में इंडिया के अंदर कैपकार्ट नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो आपको कैपकार्ट इस्तेमाल करने के लिए VPN को कनेक्ट करना पड़ता है, देन इसके बाद ही आप कैपकार्ट को इस्तेमाल कर पाओगे। बट सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जैसे मैंने VPN ऑन करने के बाद कैपकार्ट यूज किया, कुछ टाइम एडिट करने के बाद ही मुझे लैग वगैरह देखने को मिला एंड मैंने सोचा कि ये शायद इसी अपडेट की प्रॉब्लम है। एंड जब मैंने अपने VPN को ऑफ कर दिया, फोन बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह चलने लगा। तो ये मे बी VPN के साथ कैपकार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मैं ये जो पावर VPN का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इससे पहले भी आप में से काफी सारे यूजर्स ने कमेंट किया था कि कैपकार्ट को आप किस तरह से अपने सैमसंग के फोन में डाल सकते हो, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसके लिए कोई भी VPN इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, वहां पे मैंने एक लिंक दिया हूं एक एप्लीकेशन का जो है गैट एप्स एंड ये Xiaomi के फोन में आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया तो कैपकार्ट को आप यहां से ही डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी VPN के एंड इसी के साथ आप कैपकार्ट को अपडेट भी कर सकते हो। यहां पे मेरे फोन के अंदर कोई भी VPN इंस्टॉल नहीं है, आप देख सकते हो, बट स्टिल कैपकार्ट यहां पे डाउनलोड हो रहा है, सर्च वगैरह भी हो रहा है। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया गैट एप्स करके है, सबसे पहले तो आपको अगर आपने ऑटो ओलो कर अपने सैमसंग के फ़ोन में एनेबल करके रखा है तो उसे ऑफ कर लेने के बाद ही आप ये काम करना। बट हाँ, कैपकार्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको VPN की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आपको VPN जरूर से एनेबल करके ही आपको यूज करना है। तो इस अपडेट को करने के बाद कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो चुका है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है एंड बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप एंड हीटिंग पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही सेम चीज़ रहा। बट हाँ, पहले एक जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था, चार्जिंग स्लो हो रहा था, ये कुछ लोगों को देखने को मिला था, कुछ लोगों को नहीं एंड ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है इस अपडेट को करने के बाद। तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप रेगुलरली अपडेट करते हुए आए हो तो डेफिनेटली आप अपडेट को कर सकते हो एंड अगर आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और वेट करो, इसके बाद ही अपडेट करना। एंड साथ ही साथ ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स की बात करूं तो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स इस अपडेट को करने के बाद भी काफ़ी सारे यूजर्स ने इसे रिपोर्ट किया है एक्स फॉर्मर ट्विटर के अंदर, तो ये भी आप अपने रिस्क पर ही कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कोई और सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।